वीरवार की सुबह गांव बोधनी नहर के समीप एक पंजाब नंबर की इनोवा कार में डेड बॉडी मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। डीएसपी गुरमेल सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज सुबह फोन आया था कि बोधनी नहर के समीप एक इनोवा गाड़ी लावारिस अवस्था में खड़ी है, जिसकी खिड़की के पास खून पड़ा है। वहीं इनोवा गाड़ी को खोलने पर उसके अंदर से एक डेड बॉडी और रिवॉल्वर बरामद हुई है। डीएसपी ने कहा कि गाड़ी मोहाली पंजाब की है और मृतक का नाम संदीप चहल है। डीएसपी ने कहा कि परिजनों को बुलाया गया है, फोरेंसिक टीम और जांच टीम सभी मौके पर जांच कर रही हैं। डीएसपी गुरमेल सिंह ने कहा कि परिजनों के आते ही उनसे पूछताछ की जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी, टेलीफोन आया था कि एक गाड़ी खड़ी है इनोवा और उसमें कुछ हो सकता है, तो हमारे SHO ने आके सर्च करी जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी थी। उसके बाद इसका मोहाली का नंबर था और फिर और भी संपर्क किया गया, जिससे पता लगा ये संदीप चहल है, सन ऑफ दर्शन सिंह चहल है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है इसका। बाकी अभी घर वाले आएंगे, अभी वो स्टेटमेंट क्या देते हैं, बाकी हम सर्च कर रहे हैं गाड़ी की। अभी टीमें बुलाई गई हैं, चाहिए भी बुलाया गया, फिंगरप्रिंट भी और सर्टिफिकेट टीम भी बुलाई गई है, वो सब करेंगे, देखेंगे उसमें क्या लगता है। ये इस हत्या का मामला लगता है सर? ये नहीं, अभी उसका कुछ नहीं कहते, तो ये हत्या क्या वो तो सर्च पे और उसके देखेंगे क्या नहीं। जिस प्रकार से अकेला गाड़ी में पाया गया है, वो लक्षणों से कैसे लगता है, क्या दिखाई देता है सर? नहीं, लक्षणों से अभी कुछ नहीं होता, तो टीमें जो सर्च कर रही है, सर्टिफिकेट टीम भी देखेगी, डॉक्टर भी देखेंगे।